सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आपका स्वागत है अनदर व्लॉग में। सो दोस्तों, ये कुछ नॉर्मल व्लॉग नहीं रहने वाला है, ये रहने वाला है दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग। सो दोस्तों, आज मैं देवघर का मतलब सारा ही पंडाल घूमने का और दर्शन करने का ट्राई करूँगा और आपको भी कराने का ट्राई करूँगा। सो यार दोस्तों, तो अभी हम लोग का सबसे पहला जो मूर्ति है हम लोग के घर के बगल में ही, जस्ट कुंडा मोड़ के बगल में ही है, तो अभी वहीं जा रहे हैं दोस्तों। सो या अभी मैं आपको इसका दर्शन कराता हूँ। सो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला मूर्ति, आप लोग दर्शन दोस्तों। अभी हम लोग आए हैं अपने दूसरा मूर्ति का दर्शन करने, और ये है दोस्तों नौलखा मंदिर का, आपको हम दर्शन कराएंगे। और ये देखिए दोस्तों, क्या ही शांत माहौल है और क्या ही शांत जगह है। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों, नौलखा मंदिर, और ये एक आश्रम है दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है। तो यार दोस्तों, चलिए चलते हैं अभी इसके अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। वैसे तो यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना था, वो मैंने आगे पढ़ा। सो या अभी मैंने वीडियो बंद कर दिया और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मूर्ति दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही पुराना पुराना गाड़ी रखा हुआ है, विंटेज कार दोस्तों, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा मूर्ति, दर्शन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए अपने तीसरे मूर्ति का दर्शन करने, और ये है दोस्तों गैस गोदाम, शायद गैस ही गोदाम है, हाँ दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इसका एंट्री क्या ही सुंदर बनाया गया है। और अभी मतलब हम लोग गए थे आठ पूजा को दोस्तों, दर्शन करने गए थे, तो इसमें अभी पर्दा लगा हुआ था। सो यह अभी पर्दा हटाएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे दोस्तों। पंडाल तो बहुत ही अच्छा बनाया था और बड़ा बनाया था। सो या दोस्तों, चलिए अभी आपको मूर्ति का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आए थे दर्शन करने, तो यहाँ पेल भरनी भरा जा रहा था दोस्तों, तो इसका भी दर्शन हो गया दोस्तों। तो यहाँ थोड़ी देर खड़ा रहे, फ़ोटो थोड़ा खिंचाएँ। सो ये हमारे नानी जी है जो बोल रही है फ़ोटो खींचने से। या दोस्तों, चलिए दोस्तों, हमारा चौथा मूर्ति का भी दर्शन हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मूर्ति का दर्शन करने। चलिए दोस्तों, चलते हैं। सो ये रहा दोस्तों हमारा पांचवा मूर्ति। ये रहा दोस्तों हमारा छठवां मूर्ति, ये अभी स्थापित ही हो रहा था पर माँ दुर्गा स्थापित हो चुकी थी, तो दर्शन कर लीजिए दोस्तों हमारा छठवां मूर्ति का, क्या ही शानदार मूर्ति बनाया है दोस्तों। दोस्तों चलिए अब हमारा सातवां मूर्ति की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए, क्या ही मस्त पंडाल बनाया है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बंगाली स्टाइल में है एकदम पंडाल, और क्या ही ओवरऑल लुक आ रहा है दोस्तों। मुझे जगह का नाम तो याद नहीं है, मैं फिलहाल भूल गया हूँ। सो देखिए, अच्छा ही पंडाल बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया। सो चलिए अब हम आपको मूर्ति का दर्शन कराते हैं दोस्तों फटाफट से, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये देखिए दोस्तों, मूर्ति भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये रहा हमारा नौवां पंडाल। दोस्तों फिर मुझे जगह का नाम याद नहीं है दोस्तों, याद क्या मुझे पता ही नहीं है दोस्तों, मैं तो अपने नाना जी के साथ घूम रहा था,
नाना जी ही ने मुझे सारा जगह घुमाया। चलिए दोस्तों, मैं आपको नावा मूर्ति का दर्शन कराता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा 10वां पंडाल छह हिंद क्लब। इसका भी मूर्ति दोस्तों बहुत ही अच्छा था। सो यार दोस्तों, अभी हम लोग सुबह के टाइम घूम रहे हैं इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। सो यार अभी सुबह सुबह आप सब जगह घूम लीजिएगा, नहीं तो रात को इतना ही भीड़ और ट्रैफिक रहेगा कि आप घूम नहीं पाइएगा। सो यार दोस्तों, सुबह के टाइम ही घूमने में फ़ायदा है कि सब जगह आप घूम सकते हैं। सो ये तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रसादी भी मिला सुबह सुबह। सो यार दोस्तों, हम लोग ने यहाँ प्रसादी भी खाया। सो ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रसादी। सो यार दोस्तों, चलिए इसे खाते हैं और चलते हैं दूसरे जगह। सो गाइस, ये रहा हमारा 11वां मूर्ति। सो यहाँ पे फटाफट से दर्शन करते हैं और चलते हैं दूसरे जगह, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मोरी मैया के मढ़ दो। ये रहा दोस्तों देवघर का टॉप 2 पंडाल और मूर्ति कृष्णापुरी। दोस्तों ये देखिए क्या ही तो बनाया है, समझ तो नहीं आ रहा है, पर अंदर गुफा टाइप का तो है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और आपको मूर्ति का दर्शन कराते हैं। हर साल यहाँ का मूर्ति फर्स्ट आता है दोस्तों और सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ का मूर्ति का दर्शन कराते हैं। महिमा, अरे महिमा तुम्हारी ने जानी, मोरी शारदा भवान, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का भव्य मूर्ति। दोस्तों क्या ही मूर्ति बनाया, और इतना बड़ा मूर्ति है दोस्तों, क्या ही बताऊँ। और आँख में तो ऐसा लाइट आ रहा है, एकदम चमक रहा है दोस्तों। मूर्ति बहुत ही अच्छा दोस्तों है, जितना तारीफ करो उतना कम है। ये देखिए दोस्तों, डेकोरेशन किया गया है, बहुत अच्छा लाइट और ये सब पंडाल बनाया है दोस्तों। मूर्ति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों यहाँ का, क्या ही बताऊँ। और कंडीशनर सब लगाया था। सो ये देखिए दोस्तों, बुद्धा बनाया है, शिवलिंग है दोस्तों बहुत बड़ा। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने 13वें मूर्ति की तरफ। ये दोस्तों कृष्णापुरी का बाहर का सीन, क्या ही शांति और थोड़ा सा भी भीड़ नहीं है दोस्तों। यही रात को मैं आया था तो इतना भीड़ था क्या ही बताऊं। रात का फोटो मैं लगा दूंगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा 13वां पंडाल। फटाफट से दोस्तों इसका भी आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों हमारा बिलासी का पंडाल। दोस्तों क्या ही पंडाल है, ये तो कहीं इंग्लैंड का या बाहर का कोई सीन है, मैं इतना सुना था। पर देखिए दोस्तों कितना बड़ा लग रहा है दोस्तों, और रात को तो इतना अच्छा लगता है, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। बिलासी का पंडाल बहुत ही अच्छा बनाया दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। डेकोरेशन तो दोस्तों अच्छा ही था, ये क्या लगाया था दोस्तों सादा पता नहीं, पर अच्छा लग रहा था देखने में। तो चलिए दोस्तों, आपको चलते हैं अंदर और आपको भी दर्शन कराते हैं। अगले साल यहाँ पे गाइस राम मंदिर बना था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर मूर्ति छोटा सा ही था। और दोस्तों आज फॉरेन का कोई तो सीन बनाया दोस्तों, ये भी बहुत ही
अच्छा लग रहा है देखने में। अरे अंगना ये मैया अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा। अभी तो दोस्तों इतना भीड़ नहीं था और अभी पूजा हो रहा था दोस्तों, पाठ चल रहा था। दोस्तों रात को आप आइएगा ना तो आपको फटाफट से निकाला जाएगा, गार्ड रहेगा एक। निकलो निकलो अभी दोस्तों, आराम से रुक के फ़ोटो वोटो खींच लीजिए आराम से। ये रहा दोस्तों डेकोरेशन, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है दोस्तों, और मूर्ति भी अच्छा है पर पंडाल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है दोस्तों। तो यार चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट मूर्ति की तरफ। ये देखिए दोस्तों रात को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पंडाल। ये रहा हमारा 15वां पंडाल दोस्तों। ये रहा गाइस हमारा 16वां मूर्ति, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये है गाइस हमारा 17वां मूर्ति, आप लोग दर्शन कीजिए क्या ही अच्छा मूर्ति बनाया है दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग मूर्ति देखते देखते थक चुके थे तो फिर हम लोग ने चाय पिया। यह है दोस्तों हमारा 18वां पंडाल दोस्तों, बहुत ही ज्यादा थक चुके थे इस टाइम तक देखते देखते। ये रहा दोस्तों हमारा 18वां पंडाल। गाइस यहाँ तक आते आते हमारा 20वां मूर्ति कंप्लीट हो चुका था। सो बोलिए दोस्तों जय माता दी। दोस्तों बहुत ही टाइम लग गया, 2-3 घंटा भी हो चुका है दोस्तों हमारा बाहर निकला हुआ। ये रहा दोस्तों हमारा 20वां मूर्ति। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट मूर्ति, मतलब 21वां मूर्ति, जय वैष्णो देवी माता की। सो ये देखिए दोस्तों 21वां मूर्ति। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट मूर्ति, मतलब 22वां मूर्ति दोस्तों। ये देख सकते हैं ये है हाथी पहाड़ का मूर्ति दोस्तों, एकदम क्या ही एकांत और शांत जगह पे है। और दोस्तों ये पहाड़ के ऊपर बना गया है, देखिए कितना ही प्यारा नज़ारा है और अच्छा लग रहा है दोस्तों। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार।